ईरान ने 2 अक्टूबर को इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान की ओर से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल में दागी गई। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ईरानी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसराइल ने हमलों के बाद ईरानी शासन को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर इसराइल आगे कार्रवाई करेगा तो हम भी पलटवार करेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल की ओर से ईरान की परमाणु साइट और ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट में अरब अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने तेहरान के न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाकर सीधे जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसराइली अधिकारियों ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि हमले का जवाब दिया जाएगा, भले ही हमले में ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। इसराइल की प्रतिक्रिया ये संकेत देती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट उसका निशाना हो सकती है। सैन्य विश्लेषकों ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि इजरायली सेना ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमला करने पर गंभीर विचार कर रहा है। ईरानी साइटों पर हमले की संभावना पिछले दशक में सबसे ज्यादा है और हालिया ईरानी हमले से इसराइल में ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमले की वकालत करने वाली आवाजें मजबूत हुई है। इसराइल मिलिट्री ने ईरानी मिसाइल हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खा ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि उनके देश को निशाना बनाने वाली ईरान की मिसाइल नाकामयाब रही हैं, लेकिन ईरान ने हमला करके गंभीर गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा नियम साफ है, जो हम पर हमला करेंगे उन पर बदले में हमला किया जाएगा। इसराइल के इस रुख से एक बड़े संघर्ष की आशंका भी खड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट में इन दिनों संघर्ष जारी है। पहले इसराइल ने गाजा में हमास संगठन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, फिर इसराइल ने लेबनान में भी हिजबुल्ला संगठन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यमन के हुती विद्रोही वैसे ही क्षेत्र में आतंक मचा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका इसराइल के बचाव में आ गया है। पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सोशल मीडिया पर भी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल सभी एक दूसरे को लाल आंख दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन चिंता यहाँ रहने वाले नागरिकों को हो रही है, जिन्हें खबर नहीं कि वो कब तक सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।